लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई और मंगलवार को मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। हालांकि सभी एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया, वही इन एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस निशाना साधा रही है और एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने एग्जिट पोल को भाजपा कार्यालय से जारी करने की बात कही है। पोल किस आधार पर घोषित किए, मेरा ये कहना है इसका वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। अब जनता में ये लेके आए कि हमने इतने सैंपल लिए, इतने बूथ में गए और उसके बाद हमने ये एग्जिट पोल हमने घोषित किया, ऐसा कुछ नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र में गया, मैं हिमाचल से बाहर भी गया, कहीं भी जनता में मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह नहीं देखा। मैंने अपने क्षेत्र का तो पूरी पंचायतों का दौरा किया और जो मुद्दे इन चुनावों में विपक्षी गठबंधन ने उठाए उनका असर बराबर नजर आ रहा था, चाहे बेरोजगारी को लेकर बात हो कि आज जो है 70 करोड़ बेरोजगार और हमारा जो कांगड़ा और हमीरपुर है वहां तो अग्निवीर को लेकर जो युवा है उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश था कि 4 साल में आप 10-11 लाख की राशि देकर रिटायर कर रहे हो, बहुत ज्यादा रोष हमने वहां देखा। महंगाई को लेकर था और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर भी संशय था। अब भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ रही थी इस बात की हमें हैरानी है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया, भाई को भाई से लड़ाने की बात की, चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता, मुद्दों पे उन्होंने चर्चा नहीं की। राहुल गांधी पर छिटाखछी, विपक्ष के जो और नेता हैं उन पे छिटाखछी, व्यक्तिगत आरोप। मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों पे होते, आप व्यक्तिगत छिटाखछी पर, व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणियों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। और कुछ बातें इतनी छोटी और बचकानी थी जिनसे चुनाव प्रभावित नहीं हो सकते। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिए जाएंगे। आप क्या बताइए, ये व्यवहारिक है? यहां कई जगह पर जाकर उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, किसानों को कहा कि आपके घर में जो ये भैंस है ये उठाकर जो है मुसलमानों को दी जाए। कुल मिलाकर इतनी छोटी बातें और इतना बड़ा लोकतंत्र, आज भारत का लोकतंत्र दुनिया में जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश है उनके बराबर घर कि जिस तरह से शेयर मार्केट को प्रभावित किया जा रहा, आज आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखें, आज अडानी जी के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं ये भी
एक कवायद थी कि किस तरह से माहौल जो है बनाया जाए, कई जगह सट्टा बाजार भी है। तो ये सारी तमाम बातें जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जब चुनाव नतीजे आएंगे निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। दूसरा मुद्दा मैं आप लोगों के समुख रखना चाहूंगा, आप लोग भी चिंतित होंगे कि बहुत ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड तोड़ दी, हिमाचल जैसा प्रदेश यहां भी 42, 43, 44, और एक चिंता का विषय कि लगातार जंगलों में आग लग रही और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा, जहां हमारी वनस्पतियां, हमारे जो वन्य प्राणी वो काल का ग्रास बन रहे हैं। क्योंकि चुनाव चल रहा था, हमने भी कई जगह अधिकारियों से बात की, पानी की पीने की बहुत ज्यादा समस्या है, आप लोग भी जूझ रहे होंगे। तो उस वक्त जवाब ये मिला कि इलेक्शन ड्यूटी, हालांकि मुझे लगता है कि चुनाव से पूर्व जो है इस बात पे निश्चित तौर पे नजर रखी जानी चाहिए थी कि गर्मियों में हमें कैसे निपटना, क्योंकि मुझे याद है कि लगभग कुछ 14-15 वर्ष पूर्व हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी जो जंगलों में आग लग रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता था, तो मैं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से उसमें पेश हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और उसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कार्य योजना बनाए, और मुझे नहीं मालूम कि आज इतने साल हुए कि उस कार्य योजना पे अमल हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि कई जगह पर आग जानबूझ के लगाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो फॉरेस्ट का महकमा है वो क्या कर रहा है, तमाम जो गार्ड्स हैं क्या उन्होंने समय पे सूचना दी है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत सारी जगह पे मुझे पंचायत और गांव के लोगों ने बताया कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी कि आग लगी है। तो आप बताइए, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी केवल तनख्वाह लेने के लिए, कार्रवाई होनी चाहिए, आज इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और हमारे अपने पूरे क्षेत्र में लोगों के बगीचे जल गए, अब कई जगह पे जिनकी आजीविका सिर्फ बगीचे पे पूरे नष्ट हो गए। 2-3 जगहें हमारी ऐसी है कि रात को मुझे फोन करके रो रहे थे कि हमारे तो कोई नौकरी नहीं है, हमारा तो कोई व्यापार नहीं है, एक बगीचा था वो भी जल गया। मैंने आज हिमाचल में लगभग 12,500 हेक्टेयर, ये तो बढ़ेगी अभी, वन संपदा खाक हुई, और 7 जिलों में तो लू का भी अलर्ट है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। मैंने आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर चर्चा की और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज बैठक ले रहा हूं। मैंने उनसे कहा जिन लोगों के बगीचे नष्ट हुए या मकानों में आग लगी उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे पहले जो रेवेन्यू विभाग है वो जाकर असेस करे, रेवेन्यू विभाग को निर्देश दिए जाएं कि वो जाकर देखें कि किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ और सरकार मुआवजा दे, क्योंकि मुझे लगता है कि मुआवजे की राशि बहुत बढ़ने होने वाली है। तो केंद्र से भी बात करें, अब ये तो मालूम नहीं कि कल के बाद किसकी सरकार आने वाली है, जिसकी भी सरकार होगी वहाँ बात करें और हिमाचल के लिए राहत मांगे, क्योंकि आपने जिस तरह से देखा